सब्सक्राइब कीजिए बी न्यूज चैनल को और सबसे पहले ताजा खबर जानने के लिए इस बेल आइकन को भी दबाएं। नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं, आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भक्त अपने घरों से निकलकर सभी शिवालय में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं, शिव मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन आप इसमें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो मंदिर आपके सामने दिख रहा है, ये मंदिर देवरिया का शान कहा जाता है और यह मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। कहा जाता है कि ये मंदिर छोटा काशी के नाम से जाना जाता है और इस मंदिर में आज जन सैलाब उमड़ा हुआ है और लोगों का इतना भीड़ है कि आप वहाँ पे लाइन में और कतार में खड़ा होकर लोग सुबह से ही जल चढ़ाने के लिए उस मंदिर में लाइन में लगे हुए हैं। लेकिन जो आप इसमें अपने स्क्रीन पे वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो कुछ दिन पुराना है, इसलिए यहाँ पे आपको भीड़ नहीं दिख रहा है। लेकिन आज यहाँ पे लाखों की संख्या में भक्त पहुंच चुके हैं और इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए सुबह से ही लोग हाथों में जल लेकर मंदिर में पहुंच चुके हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये मंदिर 20 एकड़ से भी ज्यादा भूमि में फैली हुई है। इसकी खूबसूरती आप स्वयं देख सकते हैं कि ये मंदिर किस तरह से खूबसूरती और डिजाइन से बनाया गया है। कहा जाता है कि रुद्रपुर के जो महाराजा थे, वो अपने स्वयं उन्होंने बनवाया था और इस मंदिर में आकर वही पूजा अर्चना किया करते थे। इस मंदिर के पीछे एक तालाब भी है, जिसका भी हम आपको दिखाएंगे। बहुत खूबसूरती तरीका से बनाया गया है और देवरिया का ये पर्यटन स्थल भी माना जाता है। यहाँ तक कि आप देवरिया के ऑफिशियल वेबसाइट जब खोलेंगे, उसमें भी इसका फोटो आपको दिखता हुआ नजर आ जाएगा। बताया जाता है कि हाँ, कभी अश्वत्थामा भी आया करता था, इसी शिव मंदिर में पूजा अर्चना किया करता था। लेकिन बदलते समय में हर तरह की व्यवस्था बदल गई, यहाँ पे लोगों की आना जाना भी बदल गया, लेकिन जो शिव भक्त वो की दिल में जो आस्था है वो कभी नहीं बदली। देवरिया जिला का एक लौता ऐसा मंदिर है जहाँ लाखों की संख्या में लोग आके पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप देख सकते हैं तालाबों का सीन है, जहाँ बीचों बीच में बनाया हुआ है, ये ओम लोगों को और शोभित करती है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तालाब बनाया गया इस मंदिर के दक्षिण साइड में जो तालाब है। बताया जाता था कि पहले इसी तालाब से जो यहाँ के महाराजा थे वो पूजा अर्चना किया करते थे, लेकिन बदलते हुए समय के साथ हर चीज बदल जाता है। आपको यह भी बता दें कि आज शिवरात्रि का महापर्व है, पूरे देश में हिंदू समाज के लोग जोर शोर से पूजा अर्चना कर रहे हैं। जिस तालाब से जल भर करके और बाबा के चरणों में, बाबा के शिवलिंग पे वो जल अर्पित किया जाता है, चढ़ाया जाता है, वो तालाब बिल्कुल हम आप लोगों को लाइव दिखाएंगे अपने चैनल द्वारा। ये जो वास्तव में ये जो नगरी है, भोले बाबा की नगरी है और ये देवरिया वास्तव में देवों की नगरी है। तालाब है, चारों तरफ सीढ़ीदार बनाया हुआ है। इस तालाब में बहुत खूबसूरत मछलियाँ भी हैं। आप अगर कुछ लेते बोलते जाते हैं कि वो मिलते हैं फिर किसी तरह की खबर के साथ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।